वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आनंद यादव। आप देख रहे हैं टेक टॉक आनंद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपको पता ही है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लो कंपटीशन कीवर्ड्स के बारे में, जहां पे आप पोस्ट लिखेंगे और आपका पोस्ट बस कुछ ही दिनों में रैंक होगा काफी अच्छे पोजिशन पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आपको यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा वीडियो पसंद आने वाला है और आपके काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो कि नहीं करना चाहता फिर भी करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और यहाँ पे बेल घंटी जरूर बजाइएगा, अदरवाइज आपको हमारे वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ जो है तीन ऐसे कंपटीशन कीवर्ड के बारे में ही नहीं है, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन कीवर्ड्स को कैसे पोस्ट लिखना है और इनको जो है अपने गूगल सर्च इंजन में कैसे टॉप 10 में रैंक कराना है अपने वेबसाइट को, ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ आज मैं आपको सिर्फ कैसे कीवर्ड, कौन कौन से कीवर्ड है वो बताऊंगा और उनके सर्च इंजन और उनके कंपटीशन आपको दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं कल लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको उस पर आर्टिकल लिखना है और आपको टॉप 10 में कैसे उसको रैंक कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है वो है हमारा रेसिपी के ऊपर। फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होगा रेसिपी, जैसे कि अभी मान लीजिए आज के जमाने में मतलब लोग जो भी ब्लॉगिंग या फिर करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ लोग टेक पे ही आते हैं। आपको फ्रेंड्स बता दूं, टेक पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके लिए मैं आपको एक मतलब अलग ही एक कीवर्ड लेके आया हूँ, जहां पे अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर उस पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो है पोस्ट आर्टिकल जो है बहुत ही जल्दी रैंक हो जाएगा और बहुत ही कम समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर यूज करता हूँ, मैं फ्री का ही यूज करता हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। बाकी मैं अदर अगर कोई टूल्स देखा जाए तो मैं ऊबर सजेस्ट को यूज करता हूँ, बाकी और कोई अदर कोई कीवर्ड रिसर्च टूल यूज नहीं करता। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने रेसिपी करके सर्च किया हुआ है और रेसिपी करके जो सर्च किया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा है, इसका आप कंपटीशन कीवर्ड देख सकते हैं। रेसिपी पे लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो है यहाँ पे सर्चेस हैं और मंथली कंपटीशन इसका लो है, मतलब कि कंपटीशन लो है और सर्चेस जो है 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखेंगे आपको और भी इससे रिलेटेड जो रेसिपी से होते हैं वो भी काफी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, जहाँ जिस पे आप जो है अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन करके, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके लॉग इन करके। ठीक है, ये कीवर्ड को डाल के तो आपको फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ अजीब अजीब तरीके से आपको मिलेंगे, मतलब बनाना ब्रेड, रिसोटो, इसके बाद केक हो गया, ऐसा मतलब कि कुछ ऐसे कीवर्ड मिलेंगे जो आपको नहीं पता होगा ऐसा भी कोई रेसिपी होता है। मुझे तो बहुत सारे इसमें नहीं पता है, जैसे कि कार्बोनारा हो गया, आप देख सकते हैं डिजर्ट। अब जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट आप देख सकते हैं 10K से 100K, मतलब 10,000 से 1 लाख के बीच में इसके सर्चे से कंपटीशन आप देख सकते हैं लो है पूरी तरह से। ठीक है, तो इस पे अगर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं कि आज टॉप 10 ब्रेकफास्ट ऐसा आप लिखते हैं कि इन इंडिया, तो आपका अच्छे से खासा अच्छा खासा आपके पास ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा। ठीक है, आप जैसे देखिए यहाँ पे चिकन रेसिपी, आप ये लिख सकते हैं हाउ टू मेक चिकन रेसिपी विद ग्रेवी, ऐसा करके आप मतलब कोई एक आर्टिकल लिख सकते हैं जिसपे जो है आपका काफी अच्छा जो है ट्रैफिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपटीशन बिल्कुल लो है और इसके सर्चेस जो है आप देख सकते हैं 1 लाख तक का है। ठीक है, और भी देखिए करी करके है, डिनर आइडियाज है, किमची है, क्यूची है, मतलब बहुत सारा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से देख सकते हैं और उसको मतलब अपना इंक्लूड करके उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि मतलब कि बहुत ही आसानी तरीके से रैंक होगा। आपको पोस्ट को कैसे रैंक कराना होता है, अपने कंपटीशन को कैसे मतलब जो अभी फर्स्ट अभी इस समय गूगल पे जो है रैंक हो रहा है उसको कैसे बीट करेंगे, इस चीज का मैं पूरा डिटेल टॉपिक कल की वीडियो में लाऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज कल का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कीवर्ड को लेकर अगर आप मान लीजिए आर्टिकल लिख लेते हैं लेकिन अगर रैंक नहीं होता तो आपको सब बेकार हो जाएगा मेहनत। इसके लिए बता रहा हूँ आज सिर्फ आप कीवर्ड लीजिए, कल मैं आपको बताऊंगा आपको आर्टिकल को कैसे लिख के जो है रैंक कराना है, वो भी टॉप 10 के अंदर, आपका 15 दिन के अंदर टॉप 10 के अंदर रैंक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये हो गया आपका पहला। आप अपने हिसाब से भी एक बार सर्च मार के आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन से किस पे जो है आर्टिकल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहिए तो आप माइक्रो नीच वेबसाइट भी बना सकते हैं इस पे काम करने के लिए, ओनली फॉर रेसिपीज के लिए, आप वहाँ पे रेसिपीज का ही बारे में बताएं। ठीक है, ये हमारा आज का पहला कीवर्ड हो गया। इसके बाद जो है फ्रेंड्स दूसरा जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं इसको ओपन करके ही रखा था ताकि जो है मुझे यहाँ पे ओपन न करना पड़े। फिर से मैं कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, क्योंकि यहाँ पे ओपन होने में टाइम ले रहा है थोड़ा सा टाइम। तो फ्रेंड्स जैसे से आपको पता ही होगा तो ये मतलब कि इसको रैंक कराना कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
अभी हमारा दूसरा कीवर्ड है डाउनलोड हब। ये फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा कीवर्ड है, जो दूसरा कीवर्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कीवर्ड है डाउनलोड हब। ये कीवर्ड पे भी जो है फ्रेंड्स मिलियंस में जो है ट्रैफिक है और कंपटीशन पूरी तरह से लो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, इस पे भी आप जो है अपना आर्टिकल लिख सकते हैं डाउनलोड हब। अगर आपको अब नहीं पता कि आप डाउनलोड पे आपको कैसा आर्टिकल लिखना है या कैसा पोस्ट लिखना है, तो बिंदास आप जो है यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं कि मतलब कि गूगल पर सर्च मार लीजिए डाउनलोड हब, वहाँ पे आपको जो भी मिले वेबसाइट उनके वेबसाइट को देखिए, आर्टिकल को देखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको उसमें जो है करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर ऑलरेडी आर्टिकल लिखा हुआ है डाउनलोड हब, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये मतलब इस पे आप विजिट करके देख सकते हैं कैसे आपको आर्टिकल लिखना है, कौन सी कैसे आपको आइडिया लिखना, आइडिया मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा लिखने के लिए कैसे आपको पोस्ट को लिखना है डाउनलोड हब के ऊपर। ये अभी मैं पोस्ट 2 से 3 दिन हुआ है लिख के मैंने पब्लिश किया अपने वेबसाइट पर, आपको इस लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर लेना। चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इससे एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो डाउनलोड हब के ऊपर भी आप वेबसाइट पे भी मतलब पोस्ट आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि आपका रैंक होगा 100% इन 15 to 20 days के अंदर, वो भी गूगल के top 10 में, ठीक है। इसके बाद ये हमारा थर्ड जो हमारा कीवर्ड होता है फ्रेंड्स, हम थर्ड कीवर्ड के बारे में चलते हैं, वो है व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स मतलब कि इस पे इतना ज्यादा ट्रैफिक आप यकीन नहीं मान सकते। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे डाल के सर्च किया हुआ है ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे देख लीजिए 100K से 1 million मतलब इसके मंथली सर्चेस है, कंपटीशन पूरी तरह से लो है। और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सजेशन कीवर्ड भी बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। फ्रेंड्स आपको एक चीज में तो बताना भूल गया कि अगर आपको सीपीसी देख के आप काम करेंगे तो बिल्कुल आप मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको सीपीसी बिल्कुल नहीं देखना, आपको ट्रैफिक लाना है अपने साइड पे, बस ट्रैफिक ट्रैफिक आएगा तो सीपीसी ऑटोमेटिक आपका ग्रो होगा। क्योंकि अगर एक बार ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो आप दूसरे भी किसी भी कीवर्ड पे काम करेंगे जिसका हाई सीपीसी है तो उस पे भी ट्रैफिक आएगा, तो आपका अर्निंग वहां से चालू होगा। बट ट्रैफिक आना बहुत जरूरी होता है पहले वेबसाइट पे, अगर आपका नया वेबसाइट नया ब्लॉग है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना सारा जो है कीवर्ड अपने को दिया है, तो आपसे बस एक चीज और देखिए यहाँ पे XXX व्हाट्सएप ग्रुप लिखा है, तो आपको इस तरह से कीवर्ड का कुछ यूज नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपका एडसेंस का अकाउंट है तो वो पेनलाइज हो जाएगा, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको सिंपल सी ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, न्यू व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन, ये सारे कीवर्ड्स को यूज करना है आपको आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के भी आर्टिकल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप उनके आर्टिकल को देख के समझ सकते हैं कि आपको किस तरह के आर्टिकल्स को लिखने हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का 3 जो है कीवर्ड जो आपको बताने वाला था, लो कंपटीशन कीवर्ड, जो कि आपको अगर इस पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपका इन 10 to 15 days के अंदर आपका इन top 10 गूगल के अंदर रैंक होगा, 100% श्योर होगा। और आपको कैसे करना है, कैसे रैंक कराना है, इसका इस टॉपिक पे मैं कल डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, इसी समय पे अपलोड करूंगा अपने YouTube चैनल पे। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है, तो ताकि आप कल का वीडियो भी देख पाओ। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको थोड़ा मोटिवेट करिए। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।